हेलो एवरीवन, आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, 575 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 2.5% की तेज़ी यहां पर देखने को मिली है। और आज देखा जाए तो बाज़ार में गिरावट थी, लेकिन अदानी के जो शेयर्स थे वो भाई साहब खूब तेज़ी दिखाते नज़र आए। अदानी पावर 2.5% की तेज़ी, जो सबसे बड़ी तेज़ी थी वो अदानी एनर्जी में थी। यहाँ पर 9% की बेहतरीन रफ्तार आई है। अदानी टोटल गैस भी 5% की तेजी दिखाता नजर आ गया। विलमार भी, जो लंबे समय से भाई साहब नहीं कर रहा था कुछ भी, वो भी आज 2.5% की तेजी पे था। और अदानी विलमार ने भी एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 333 से 400 पे पहुंच चुका है ये भी। अदानी ग्रीन भी अच्छी खासी रफ्तार है, 3% की तेजी यहां पर भी है। एक महीने में ये भी खूब सारा पैसा बनाकर दे रहा है। देखो, अदानी के शेयर्स दोबारा से अब चर्चा में आ चुके हैं। जबकि आज बाजार में गिरावट थी, यहाँ पे खूब सारी रौनक देखने को मिली। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे अदानी पावर के बारे में कि इसका क्या आउटलुक हो सकता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अच्छी रफ्तार आई आज, इवन पिछले एक महीने में देखो तो जहाँ था वहीं पर है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, गिरता है तेज़ी दिखाता है, गिरता है तेज़ी दिखाता है। और देखो, एक बड़े मूव्स ही दिखा रहा है ये। एक बड़ी गिरावट आई, 2 दिन लगातार गिरा था ये। वापस से अगर आप देखो तो भाई साहब वापस से रिकवरी लौट कर आई। 1 साल का अगर आप ग्राफ देख लो तो खूब पैसा बना है, 311 पे जा चुका है, सॉरी 311% का ग्रोथ है। और दोबारा ये उसी लेवल पर है जहाँ पर रेजिस्टेंस भी देखने को मिले थे इससे पहले, लेकिन अब उसको ये ब्रीच कर चुका है। अब ये एक ब्रेकआउट वाले जोन में जा चुका है। इससे पहले जो 570 रुपये का जो लेवल था जो इसको परेशान कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, अब उस लेवल को इसने सक्सेसफुली तोड़ दिया है। तो एक ब्रेकआउट का सिनेरियो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख, पिछले लंबे समय से ये इसी रेंज के आसपास अटका हुआ था। और जनरली देखा जाता है कि ये जो दिसंबर से लेकर फरवरी का टाइम होता है वो थोड़ा सा करेक्शन वाला होता ज़रूर है, लेकिन अब जो गर्मियों का टाइम है, मार्च से लेकर जून वाला टाइम, ये अच्छा टाइम होता है पावर कंपनियों के लिए। इससे पहले भी अगर आप देखोगे ना तो जो तेज़ी आई थी यहाँ पर 119 रुपये से लेकर ये जो 400 पे गया था ना, ये इसी टाइम में गया था। फरवरी से लेकर ये अगस्त वाला जोन इसने बड़ी रफ्तार दिखाई थी। तो इस बार भी चांसेस हो सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर बन सकते। इवन 2023 में भी अगर आप देखोगे तो जो तेज़ी की शुरुआत हुई थी वो फरवरी से ही हुई थी, लेकिन हालांकि गिरावट नहीं आई थी, ये भागता ही गया था यहाँ पर। तो ये इस बार देखना है कि क्या होता है। 5 साल में 1000% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न बनाकर दिया है। अगर आप इसके लोअर लेवल से कंपेयर करोगे, जो कि 26-27 रुपये का लेवल था, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो 2000% का रिटर्न इसने बनाकर दिया है। लेकिन 2 बार पिरामिड्स भी बने हुए हैं, बड़ी तेज़ी के बाद बड़े डिक्लाइन से गुजरा। जब यहाँ पर रिपोर्ट्स आई थी हिंडनबर्ग वाली, जो जब रिपोर्ट आई थी तो एक डिक्लाइन से ये गुजरा भी था, लेकिन वापस से एक बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी है। और उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, और अगर कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली फ़ायदे में रहेंगे इनके लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम अभी थोड़े कम है, 20 लाख के आसपास का शेयर जो है वो ट्रेड होते नज़र आए। इतना ही नहीं, देखा जाए तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में देखोगे तो हालांकि कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको ये पे करेगा, हालांकि बड़ी बात ये है। और ये है इनके वैल्यूएशन। देखो, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर बहुत हाई पी पे ट्रेड करते हैं। ये इकलौता ऐसा शेयर है जिसका पी सेक्टर पी से कम है, 9 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 31 का है, क्योंकि खूब सारा पैसा इसने बना कर दिया पिछले कुछ टाइम में। इनके फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो देखो मार्च और जून क्वार्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर नंबर बहुत अच्छे आते हैं। 2023 वाले मार्च में इनका जो रेवेन्यू था वो 11,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन प्रॉफिट 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। जून में रेवेन्यू बढ़ के 18,000 करोड़ चला गया, और जो प्रॉफिट भी बढ़ के 8,800 करोड़ चला गया। सितंबर में हालांकि रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट भी देखा जाए तो उतना ख़राब नहीं था। दिसंबर में और रेवेन्यू कम हुआ, क्योंकि देखो दिसंबर में जो पावर कंपनीज होती है उनके रेवेन्यू एक्चुअली में कम आते हैं, क्योंकि डिमांड कम होती है। लेकिन अब जब मार्च और जून के नंबर्स भी आने वाले हैं, मतलब जब आएंगे तो वो भी अच्छे ही आएंगे, और तेज़ी भी डेफिनेटली उसके चलते और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 3 महीने हैं, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन तक का जो टाइम होगा वो अदानी पावर के लिए, इवन अदानी ग्रीन के लिए भी मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि तेज़ी वाला रहने वाला है, पावर सेक्टर जो है वो तेज़ी वाला रहने वाला है।
आने वाले 3 महीने एटलीस्ट इलेक्शन तक तो रहने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि देखो गर्मियाँ बढ़ना जैसे ही शुरू होंगी हर न्यूज़ चैनल पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि भैया देखो इस कंपनी को फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा, और ऐसे में अदानी लीड तो ले रहा है। और जो डिमांड भी बढ़ने वाली है फ्यूचर में, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब उसका कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेगा, स्पेसिफिकली जब स्टेट गवर्नमेंट इसको और बड़े पैमाने पर अडॉप्ट करेंगे बसेस, मतलब जो स्टेट बस होती है उसको चलाने वगैरह के लिए, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन लगेगा उसको लेकर। ट्रांसपोर्टेशन में जिस दिन वो आ जाएगा और ज़्यादा कंजम्पशन लगेगा, और उस कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी कंपनियों के पास नहीं जाती। JP पावर या फिर जो रतन पावर है उनके पास नहीं जाएंगे, ये जाएंगे अदानी के पास, टाटा के पास, या फिर कुछ सरकारी कंपनियां हो गई, ठीक है, हालांकि इंडियन ऑयल भी कर रहा है अभी तो कुछ सरकारी कंपनियां हो गई, तो उनके पास जाएंगे वो बिजली वगैरह के लिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि आने वाले टाइम में जो बड़ी कंपनीज है उनके पास एक बड़ा पावर होगा कि वो बिजली सप्लाई को अपने पास रख पाएगा आने वाले टाइम में, और मुंह मांगे दाम वो ले भी पाएगा। सरकार और ज़्यादा पैसा पे करेगी बिजली के आने वाले टाइम में। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर, उनके पास 71.75% का स्टेक है, लेकिन प्रमोटर का 11.37% का स्टेक गिरवी भी है। हालांकि म्यूचुअल फंड के पास 1.17% की होल्डिंग है जो पहले कुछ भी नहीं थी। पहले अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास 0.01% का स्टेक था, वो उन्होंने खरीदारी करी है, एंट्री हुई है भाई साहब इंस्टीट्यूशंस की। डोमेस्टिक के पास भी कुछ नहीं था, उन्होंने भी 0.02% खरीदा है। FIIs की बात करोगे तो 15.86% का स्टेक है, हालांकि मार्च के मुकाबले FIIs ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी, सितंबर के मुकाबले अगर आप देखोगे तो FIIs ने बिकवाली करी है, 17.51 से घट कर ये 15.86% पर आए हैं। रिटेल का पार्टिसिपेशन अभी भी कम है, 4.81% का है, अदर पार्टी 6.40% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि जो पावर कंपनीज है उनके चांदी ही चांदी फ्यूचर में है, ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा इसने बनाकर दिया है। आगे भी मुझे लगता है कि जो जो ग्रोथ आपको पावर कंपनियों में, बड़ी कंपनीज में देखने को मिलने वाली है, अदानी पावर हो गया या फिर अदानी ग्रीन हो गया या फिर टाटा पावर हो गया, वहाँ पर मुझे लगता है कि दाव बड़े खेलने के मौके बनेंगे। और जो गर्मी वाला माहौल अभी स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, उसका भी एक फ़ायदा मिलेगा इन कंपनियों को। और इलेक्शन से पहले का जो पीरियड है वो मुझे अच्छा लग रहा है। इलेक्शन के बाद ओवरऑल बाजार में आपको एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलने वाला है ओवरऑल बाजार में, तब की बात तब करेंगे, लेकिन अभी मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट मुझे जून तक का जो इसका आउटलुक है, जून और जुलाई तक का आउटलुक है, वो मुझे इसका खराब नहीं लगता है, ना ही अदानी पावर में, ना ही अदानी ग्रीन में, ना ही टाटा पावर में। तो नज़र रखेगा इन कंपनियों के ऊपर। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाके खरीदारी कर लो, लॉन्ग टर्म का आउटलुक आपका होना चाहिए, बाय ऑन डिप्स का आपका नज़रिया होना चाहिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।